कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन इस जहाने फानी से ज़रूर वापस जाना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा सो बरस का है पल की खबर नहीं। नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है, ताहम कुछ ऐसी अमवात होती हैं जिन्हें चाह कर भी भुलाया नहीं जाता। एक तड़प, एक उम्मीद, एक आस रहती है कि शायद वो शख्स वापस आ जाएगा, मगर जनाब कौन वापस आया है जो अब ये आएंगे? बस ये उम्मीद उम्मीद ही रह जाती है और ये जहाने फ़ानी से हमेशा के लिए वो बंदा, वो शख्स चला जाता है और एक याद रह जाती है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बाराको के एक ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं 7 ऐसी कब्रें जो किसी अलग अलग ख़ानदान से नहीं बल्कि एक ही फैमिली के ये 7 लोग थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 7 कब्रें, ये 7 शख्स कौन थे और इनकी किस तरह जो है वो डेथ हुई है, एक ही फैमिली पर किस कदर जो है वो कयामत गुजरी होगी, ये सब हम आपको बताएंगे। ताहम तफसीलात में जाने से कब्र जो है वो इनके इसाले सवाब के लिए हम दुआ कर लेते हैं और आप भी अगर दुआ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, आज की स्टोरी के बारे में अगर आपको बताते चलें तो आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ था जिन्होंने तबाही मचा दी थी और 3 अक्टूबर की रात को एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया था जिसमें एक ही फैमिली के तकरीबन 7 लोग इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए थे। इस होलनाक वाक़े की कहानी क्या है तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये ख़ानदान शादी के तकरीब से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में इन्हें मालाकंड पुल पर यानी थाना बाराको की हदूद में इन्हें जो है वो एक होलनाक वाक़या इनके साथ पेश आया था। इनकी गाड़ी मेहरान कार थी बेसिकली, जो गहरी खाई में जाकर गिरी थी और इसमें 7 अफराद जो थे वो उनकी मौका पर ही डेथ हो गई थी। उन वहाँ पर जाए वकूआ पर जो है वो भारी नफरी भी मौजूद थी, पहुँच गई थी फ़ौरन और इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो है वो टीमें भी चली गई थी। फिर उनकी जो लाशें थी उनको पोली क्लिनिक अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था और वहाँ पर ये बात साबित हुई थी कि फिसलन के बायस जो है वो गाड़ी स्लिप हुई और वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से जो है वो ये वाक़या पेश आया था। थाना भाराकू की हदूद में ये वाक़या पेश आया था। SHO असद महमूद जो थे उन्होंने इसकी कार्रवाई की थी, वो मौका पर वहाँ पर गए थे और उन्होंने सारे मामलात देखे थे और ये जो है वो साबित हुआ था कि गाड़ी जो है वो फिसलन की वजह से गहरी खाई में जा गिरी थी और ये जो है एक ही ख़ानदान के 7 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। नाज़रीन, ये ख़बर अपने अंदर एक कहानी, एक सबक समोए हुए है। अक्सर औकात हम अपने बड़े बूढ़ों से ये सुनते हैं कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। इसका यही मतलब होता है कि जल्दबाजी किसी सूरत भी ना की जाए। ये वाक़या जो हम आपको बता रहे हैं ये अक्सर औकात लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है और जब तक हम इन वाक़यात को ना देखें हमें भी शायद इबरत नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश करे। मौत बेशक एक अटल हकीकत है और हर किसी को किसी भी वक्त आ सकती है, इससे हम किसी सूरत भी जो है वो इनकार नहीं कर सकते। आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगी कि खुद भी सेफ़ रहें और इनके लिए बख्शिश की दुआ करें। नाज़रीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक इस ख़ानदान का वाहिद फ़र्द जो ज़िंदा बच गया था वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और शायद वो उसी रोज़ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा होगा जब उसने ये 7 लाशें देखी होंगी। हमारी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अपने समेत अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखें और उस कॉल को, उस जो कोट है उसे हमेशा याद रखें कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। और साफ़ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।